guys, welcome back to my channel. So today I'm going to share a review of one of the product that has been recently promoted a lot on a lot of the social media platform. So I'm talking about Rene lip gloss, जिसको रेने ने recently launch किया और जैसे ही मैंने इसका promotion देखा मैंने इसको purchase किया और use करके देखा. So मैं आज अपना feedback आप लोग के साथ share करने वाली हूँ कि मेरा experience इस lip gloss के साथ कैसा रहा. ठीक है, let's get started. तो ये है रेने lip gloss. मैंने ये पिंक कलर में परचेज किया. ये अभी दो कलर्स में अवेलेबल है, पिंक एंड पीच. ये 2.5 ml यानी 0.8 ounce भी आप इसको कह सकते हैं. और इसका जो MRP है वो 325 में है. ये मैंने अमेजोन से परचेज किया. अगर आप भी अमेजोन से परचेज करें और आप काफ़ी लकी हैं उस टाइम पे, बिकॉज अमेजोन की काफ़ी डील्स चलती रहती है, जैसे एक लाइटनिंग डील चलती है उनकी डेली बेसिस पे. तो अगर आपका लक ने आपका साथ दिया और जिस टाइम पे आप परचेज करें वो लाइटनिंग डील भी चल रही है तो ये आपको लेसर प्राइस में मिल जाएगा. बट इसका जो MRP है वो 325 है और ये पिंक शेड में है. इसको मैं जस्ट पहले अभी आप लोग के साथ यूज़ करके दिखाती हूँ अपने लिप्स पे एंड देन वील टॉक अबाउट इट. एंड आई एम गोना अप्लाई दिस लिप ग्लॉस ऑन माई लिप्स. Okay, so this is the pink shade lip gloss by Rene. अब मैं आपके साथ अपना feedback share करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्राइस है 325 rupees उतना तो नहीं होना चाहिए बिकॉज इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत बहुत कम है. तो आई थिंक 325 तो प्राइस इसका बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करता है. इसका प्राइस आई थिंक इट शुड बी ऑन द लोअर साइड. सेकेंडली आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो लिप ग्लॉस लगाया हुआ है इसमें हल्की सी आप देख सकते हो ये शाइनिंग आ रही है, बट इसमें पिंक शेड नहीं है. यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे सिर्फ शाइन है लिप ग्लॉस की, बट जो पिंक कलर आपके लिप्स पे आना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं आया है. बहुत मिनिमलिस्ट, मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैंने पिंक कलर का लिप शेड लगाया है. यहाँ पे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब मैं इसको लगाऊंगी तो पिंक कलर आएगा और उसके ऊपर थोड़ा ग्लॉसी लुक आएगा तो बहुत सुंदर लगेगा. बट इस पर सिर्फ ग्लॉसी लुक ही है, बट पिंक कलर कहीं भी नहीं है. और इतना ग्लॉसी लुक तो यार मैं अगर कोई नॉर्मल लिप बाम भी लगा लेती हूँ ना, जो थोड़ा सा शाइनी सा लिप बाम हो, तो उतना आ जाता है. सो आई डोंट नो ये पिंक कलर का लिप ग्लॉस इन्होंने इसको क्यों नाम दिया है. और ऐसा ही नहीं, मैंने काफ़ी और लोगों के भी रिव्यूज़ पढ़े एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन सेम पेज. सब लोगों ने यही कंप्लेंट किया है कि इनके लिप ग्लॉसेस में चाहे वो पीच कलर का हो या पिंक कलर का हो, कलर शेड नहीं आ रहा है. इट्स जस्ट अ ग्लॉस लुक दैट यू आर गेटिंग ऑन योर लिप्स. सो यहाँ पे मैं रहने से इस बार काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ. यस, बट मैं अब क्योंकि ये ख़रीद लिया है तो मैं इसको यूज़ तो करूँगी, फेंकूँगी तो हूँ नहीं. तो अगर आप डेली कॉलेज में जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू अप्लाई लिप ग्लॉस ऑन योर लिप्स, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने खरीद लिया. पर अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है सो आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर इट. मैंने खरीद लिया है तो मुझे ख़त्म तो करना है. तो मैं इसको अब कैसे यूज़ करूँगी, आई जस्ट शो यू. तो आप देख सकते हो मैंने अपने लिप्स पे से जो मैंने लिप ग्लॉस लगाया था वो हटा दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई वन ऑफ माई लिपस्टिक शेड ऑन माई लिप्स. ये मेरे पास नायका का है, पिंक कलर शेड है. इसको मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी. ये नॉन ग्लॉसी मैट लुक देगा मेरे लिप्स को. ओके, सो मैंने ये लिप कलर अपना यूज़ कर लिया है. अब मैं इसके ऊपर इस लिप ग्लॉस को लगाऊंगी थोड़ा शाइनी लुक देने के लिए. ऐसे मेरा जो लिपस्टिक मैंने लगाया था वो थोड़ा ग्लॉसी लुक में आ गया है. तो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस लिप ग्लॉस. बिकॉज मैंने खरीद लिया तो फेंक तो सकते नहीं है, 325 rupees का यार कोई सस्ता नहीं है. तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी, कोई भी अपनी लिपस्टिक लगाऊंगी और अगर मुझे उस पर थोड़ा सा ग्लॉसी लुक चाहिए तो मैं इस लिप ग्लॉस को अप्लाई करूँगी. तो मेरे लिए तो इस बार रहने का लिप ग्लॉस इज थम्स डाउन.
आई होप कि आपको मेरा जो ये फीडबैक है, ये रिव्यू है, डेफिनेटली हेल्प करेगा वेदर यू शुड परचेज दिस लिप ग्लॉस और नॉट. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना. अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आई विल आंसर योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का सिंबल है, उससे क्लिक कर देना. ओके, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक लिए खुश रहो, अच्छे से रहो. बाय बाय, टेक केयर. Thank you.